आप सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे ये बैकग्राउंड कैसे आ रहे हैं। इसी वीडियो में आज बात करेंगे ये मेरे पीछे बैकग्राउंड कैसे आ रहे हैं। आप यहाँ पर तरह तरह के आप बैकग्राउंड मन चाहे जो भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ पर नदी, झील, कुछ भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई नई स्टूडियो लगा सकते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं नए नए तरीके के बैकग्राउंड चेंज हो रहे हैं। और ये कैसे हो रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले चेक क्या है कि हमें अपने जो वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी कि मैंने अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कितनी आसान तरीके से चेंज हो रहा है। बिल्कुल बहुत ही आसान है, आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं। इसमें आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपके पास एक सा कोई भी कलर होना चाहिए, यानी कि क्या तो ग्रीन स्क्रीन होनी चाहिए या फिर आपके पास कोई ब्लैक कलर होना चाहिए, यानी आपको जो बैकग्राउंड के जो पीछे है वो एक सा कलर होना चाहिए। क्या तो वो ब्लैक हो या फिर ग्रीन हो या फिर वाइट हो, यानी कोई सा भी कलर हो लेकिन एक सा ही होना चाहिए, जिससे हमें आसानी से तरीके से हम उसे बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, कोई और बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, वो है एप्लीकेशन काइन मास्टर। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको विदाउट वाटरमार्क दिख जाएगा, जो कि मैंने विदाउट वाटरमार्क ही डाउनलोड कर रखा है, आपको उसमें वाटरमार्क नहीं मिलेगा। तो काइन मास्टर को आप ओपन करेंगे अपने बैकग्राउंड का जो चेंज करना है आपको बैकग्राउंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे काइन मास्टर आप ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। अब आपको क्रिएट न्यू यानी कि इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो किसके लिए वीडियो बनानी है, यानी कि आपको यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, तो आपको यूट्यूब का आइकन दिख रहा होगा, यूट्यूब पर क्लिक कर दें। नहीं तो आपको एक शॉर्ट वीडियो बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, तो ये दूसरा वाला है। मैं फिलहाल यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पर 16:9 रेशियो चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना जिसका आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। तो मैं अपना वो वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपने बैकग्राउंड उसमें जाऊँगा कैमरे में, और मेरे पास जो वीडियो है मैं उसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास ये वीडियो है और इसका बैकग्राउंड मैं चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है इसका मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको अपना वो बैकग्राउंड ले लेना है, यानी कि जो बैकग्राउंड आपको अपनी वीडियो के पीछे रखना है। तो मुझे यहाँ पर मैंने ये डाउनलोड कर रखा है एक दो, आप उसे यहाँ पर आप कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में लगाने के लिए। जैसे कि मेरे पास ये है, मेरा ये बैकग्राउंड लगाना है मेरे लिए अपनी वीडियो में, ये वाला बैकग्राउंड मैंने लगाना है। इसको अपने एडजस्ट तरीके से कर सकते हैं जितना बड़ा आपका वीडियो है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेयर पर आपको क्लिक कर देना है, वो वीडियो आपको उठा लेना है जिस वीडियो के बैकग्राउंड में ये जो हमें अभी फ़ोटो लगाया है ये लगाना है, उस वीडियो को उठा लेना जिस वीडियो को आपको पीछे बैकग्राउंड में इस तरीके से कुछ लगा लेना है। तो मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको एडजस्ट कर लेना कितना रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करेंगे, इसे एडजस्ट करने के बाद में आपको सबसे पहले तो इसे एडजस्ट कर लेना किस तरीके से। यहाँ पर जैसे मैंने ये एडजस्ट कर लिया यहाँ पर, और आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर में देख पा रहे होंगे ये ऑप्शन है कुछ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, पहले दिख जाएगा इन एनिमेशन, दूसरा ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन, क्रोमा की दिख जाएगा आपको ये वाला ऑप्शन क्रोमा की, आपको क्रोमा की पर क्लिक कर देना है और सबसे पहले इसे इनेबल कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनेबल होते ही बैकग्राउंड में मेरे जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट चुका है और मेरे जो बैकग्राउंड में मैंने फ़ोटो लगाया है ना वो आ चुका है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो पूरा काम नहीं होता है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ बेकार सा लग रहा है, कुछ रियल सा नहीं लग रहा है, यानी कि जो लगना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसे मतलब आपको क्या करना है, आपको बैकग्राउंड जो है हमारे फ़ोटो हमारी जो वीडियो है इस पर क्लिक करना है और इसे फिर से क्रोमा में जाना है और यहाँ से आपको एडजस्ट कर लेना है सबसे पहले तो, कि जितना आपको एडजस्ट रखना है। तो यहाँ पर आपको अपने ही तरीके से एडजस्ट करना होता है, जैसे कि हमें एडजस्ट करना होता है कितना हमें रखना है कितना नहीं रखना है। तो यहाँ से आपको अपने आप ही एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है। जब आपको लगे कि आप मैं परफेक्टली हो चुकी है मेरी वीडियो, तो आप जब आप देखेंगे कि आपकी वीडियो पूरी परफेक्ट तरीके से आपको अच्छा लगने लगे, तो आप अपने तरीके से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं और बैकग्राउंड लगा दिखाता हूँ आपको, तो मीडिया वाले आइकन पर जाएंगे और बैकग्राउंड लगाएंगे, तो मैं और बैकग्राउंड लगाऊंगा। तो मेरे पास ये एक दूसरी फ़ोटो है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ़ोटो है, ये भी लग जाएगा आपके पास, या फिर आप कोई भी लगा सकते हैं। एक वीडियो ही लगा देता हूँ मैं आपको, वीडियो लगा के दिखाता हूँ,
जैसे कि मेरे पास ये वीडियो है और मैंने ये लगाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा ये बैकग्राउंड हमने पहले बताया था ये चल रहा है, और दूसरा जो बैकग्राउंड है हमारे पास में ये देखिए, आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं अपना। और ये मैंने अच्छी तरह से मतलब एडजस्ट नहीं किया, वीडियो बड़ी हो जाती, आपको आराम से एडजस्ट कर लेना है। आपको इस पर क्रोमाकी में जाके यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे कितना रखना है ऐसे ऐसे, ज़्यादा कम इस तरीके से आप एडजस्ट कर लेना खूब अच्छी तरह से, और आपका वीडियो एकदम प्रोफेशनली तैयार हो जाएगा, आपका बैकग्राउंड अरेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये वीडियो शेयर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतनी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।